हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हायर सीए चैनल। मैं आपकी फ्रेंड अंजलि कौशिक, बिजनेस कंसल्टेंट ऑफ हायर सीए .com, आपके बिजनेस से रिलेटेड सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे व्हाट इज NBFC एंड इट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। NBFC क्या है और इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि NBFC की फुल फॉर्म यानी उसका पूर्ण रूप क्या है। NBFC स्टैंड्स फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये कंपनीज एक्ट 2013 या अर्लियर कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत आती है। अब जानते हैं NBFC के अंतर्गत क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज आती हैं। NBFC में लोन्स एंड एडवांसेस यानी ऋण और अग्रिम, शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज जो कि सरकार या लोकल अथॉरिटी या उसी के सामान्य मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी बिक्री योग्य प्रतिभूतियां जैसे किराए पर उठाना, किराया खरीद, इंश्योरेंस बिजनेस या चिट बिजनेस इत्यादि आते हैं। अब हम जानते हैं NBFC के अंतर्गत क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज नहीं आती हैं। NBFC के अंतर्गत कृषि, औद्योगिक, किसी चीज की खरीद या बिक्री या किसी तरह की सर्विस देना या किसी अचल संपत्ति को बनाना या उसको बेचना और खरीदना, ये सब चीजें NBFC के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम सब जानते हैं NBFC के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किस क्रम में सम्मिलित होती है। सबसे पहले एक कंपनी बनाइए जिसका नेट ओन्ड फंड कम से कम 2 करोड़ रुपए हो। फिर आप एक बैंक अकाउंट खोलिए और उसमें अपना सारा पैसा जमा करिए जो कि वैध अधिकार मुक्त हो। फिर आप RBI को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। उसके बाद आप सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिसके लिए आप डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट इन रिक्वायरमेंट 1 सेक्शन को रिफर कर सकते हैं, RBI के रीजनल ऑफिस में जाकर जमा करा दें। जमा कराने के बाद आपका सर्टिफिकेट स्वीकृत हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए या हमारी वेबसाइट पर विजिट करिए जो कि है www.hireca.com। थैंक यू फ्रेंड्स।